ये 1500 की टेबल आपके जिंदगी का बहुत काम आसान कर सकती है। आप गेमिंग लैपटॉप तो ले लिए, कीबोर्ड माउस भी ले लिए, सब ले लिए, मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गया सेटअप, सब कुछ है। अब आपको सेटअप पे बैठ के काम करने का मन ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मन नहीं है, नहीं करना काम। और आपका मन करता है कि बेड पे बैठ के गेम खेल ली जाए, बेड पे लेट के गेम खेल ली जाए, सोफा पे बैठ के, और जहां भी आपका मन करे बैठो और अपना ऑफिस का वर्क और गेमिंग शुरू कर दो। तो ऐसे लोगों के लिए ये टेबल लैपटॉप टेबल T8 इसका मॉडल है। ये 1500 की बहुत अच्छी टेबल है जो इस टाइम अवेलेबल है अमेजोन पे। ये 1450 या शायद 1500 की मैंने ऑर्डर की थी। अब इसका जो भी रेट चल रहा होगा तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेकआउट कर लेना। अब जैसे कि इस पे लिखा है मल्टी फंक्शनल लैपटॉप टेबल, तो कौन कौन से मल्टी फंक्शन ये करवा देगी हमारी जिंदगी में, कितनी लाइफ आसान हो जाएगी, कितनी जीवन में हमारी ऊंचाइयां पहुंच जाएंगी, या फिर कितने हमारे काम आसान हो जाएंगे इस टेबल से, वो आज वीडियो में जानेंगे। करते फटाफट से अनबॉक्स इसको। फिर फ्रंट से कुछ बॉक्स ऐसा है, ये आपकी टेबल बनी है और यहाँ पे पीछे सब तरीके से दिखा रखा है कि कैसे आप सोफा पे बैठ सकते हो, छोटे सोफा पे, बड़े सोफा पे, टेबल पे, बेड पे, सोफा पे, फिर से सोफा पे, फिर से बेड पे, फिर से टेबल पे, बेड सोफा टेबल, नथिंग एल्स। और इसके अलावा कुछ होता भी नहीं घर में, चेयर हो जाएगी ज्यादा। तो सामान निकाल लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या सामग्री मिलती है। एक ये पैकिंग में सारा सामान है और कुछ नहीं है, खाली है इसके बाद डब्बा। एक ये मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि कैसे इसको सेटअप करना है। और भाई इस बार ये हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ऐसी चीजों में बहुत जरूरत होती है कि कुछ गलत सलाह देता तो जुड़ गया, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो जाएगी, फिर लैपटॉप गिर जाएगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके बाद निकलती है आपकी टेबल और बीच में आप देख सकते हो दो फैंस भी है। तो ये गेमिंग लैपटॉप के लिए बेटर चीज है। ये गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है मैं लैपटॉप पर बैठ के गेम खेलता हूँ। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैं क्या क्या स्टोरी डालता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया। तो जैसे मैं बेड पे लेट के गेम खेल रहा था तो मेरे को कूलिंग पैड या तो राइट में रखना पड़ता है या लेफ्ट में रखना पड़ता है गेम खेलने के लिए। अब मैं एग्जैक्ट सामने रख सकता हूं, ऊपर कंबल डाल के बीच में लैपटॉप की टेबल लगा के ये वाली, और आराम से गेमिंग हो सकती है। और फैंस भी हैं, तो फैंस भी हैं इसके अंदर, तो कोई वेंटिलेशन का इशू भी नहीं होगा। और साथ में एक है माउस पैड, उसके अंदर कुछ क्लिप्स वगैरह और एक कनेक्टर केबल। ये कनेक्टर केबल यूएसबी फैन के लिए है। माउस पैड का साइज में यार मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, छोटा है माउस पैड मतलब गेमिंग के हिसाब से। कोई बात नहीं, कंट्रोलर जिंदाबाद, बेड पे बैठ के जरूरी नहीं हमारे को ई स्पोर्ट्स ही खेलना हो, हम स्टोरी मोड भी खेल सकते हैं। तो भाई अब ये इस टेबल पे तो मैनेज हो नहीं पाएगी, हम आराम से जमीन पे लगाए करते हैं। तो कैमरा एंगल चेंज करते हैं थोड़ा। सो गाइस हम बैठ गए जमीन पे, सारा सामान आपके सामने ले आए हैं और अब हम करते हैं इसको असेंबल। असेंबल की कोई खास जरूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट हो रखी है, बस थोड़ा सा इसके लेग्स वेग्स ओपन करने हैं, मतलब ये एक्सटेंड करने हैं। ओ यहाँ पे इसमें देख रहे हो ब्लू कलर के बटन टाइप है, तो जैसे हम इसके बटन को प्रेस करते हैं ना उसके हिसाब से फिर ये यहाँ पे लेग्स इसके ना एक्सटेंड हो जाते हैं इसके हिसाब से। भाई इसमें तो पूरी मैथमेटिक्स लगा रखी है, इसमें एंगल वेंगल है, इसके बटन के ऊपर ना एरो बना है, तो जितने एंगल पे आप ये वाला खोलोगे उतने ही एंगल पे ये वाला खोलना पड़ेगा वरना टेढ़ी हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पे सारे एंगल्स लिखे कि किस किस एंगल पे कितने कितने हाइट आप इसकी कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको 90 डिग्री वाला एंगल कर दिया और इतना ये आ गया हमारे सामने। पहले माउस पैड लगा लेते हैं, इसमें ये दो क्लिप्स भी हैं जो आप साइड्स में लगा सकते हो। फ्रंट से तो इसके अंदर एक ये फ्लैट सरफेस है जिससे आपका लैपटॉप आगे की तरफ नहीं आ रहा है इंक्लाइन में अगर ये बेंच को यूज कर रहे हो, बट साइड में भी लगा सकते हो कि अगर आपका साइडवेज लैपटॉप बिना खिसके, कोई जरूरत नहीं है बट स्टिल वो कहते हैं कि साइड में लगा लेना चाहिए। One eternity later. तो आधे घंटे के परिश्रम के बाद हमने कर लिया इसका सेटअप पूरा। अब मेन है इसके लेग्स को समझना, इसके लेग्स अपने अकॉर्डिंग फुली फ्लेक्सिबल है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब हम अलग अलग एटमॉस्फेयर में इसको टेस्ट करेंगे। खड़े होकर वीडियो बनाने से हमारा मन भर चुका है, तो अब हम बेड पे आ गए और बेड पे मैंने रख दिया इस पर अपना MSI वाला लैपटॉप। ये 2.5 kg का लैपटॉप है और 2.5 kg का लैपटॉप भी ये काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है और बिल्कुल स्टेबल है टेबल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फैन भी कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं फैन वर्किंग है नहीं, अभी तक फैन ही चेक नहीं किया। भाई साहब इसके फैन की आवाज सुन पा रहे हो, इसके फैन काफी अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत स्लो है। मैं अगर आइडिया लगाऊं तो अराउंड 3500 to 4000 RPM पे चल रहे होंगे, तो उसका मतलब वेंटिलेशन में भी कोई इशू नहीं होने वाला, आप आराम से अपना काम बेड पे बैठ के कर सकते हो। सो अब ये इतनी हाइट पे है आपका, ये इससे और ऊपर देखते करके होता है नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है, और ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है जो इसके मैनुअल पे बने हैं और आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप आराम से लेट के ऐसे मूवी चिल कर सकते हो और आराम से गेमिंग कर सकते हो अपने गेम पैड से। और नाड़ा दिख गया यार, सोफा भी टेस्ट कर लिया जाए। तो जो एवरेज हाइट है सोफा की वो इतनी होती है ओवरऑल सबके घर में, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है आप यहाँ देख सकते हो, मेरी हाइट 5 feet 5 inches है और मेरे नीज के आसपास ये लैपटॉप पहुंच चुका है, तो सोफा के लिए भी लगभग इतना झुक के आपको काम करना पड़ेगा अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है। तो सोफा के लिए तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं। बाकी अगर आप इसको उठा के अपने यहाँ पे रखना चाहते हो, जस्ट बगल में इसके लेग्स आ जाएंगे और उसके बाद आप काम करना चाहते हो,
तब आराम से काम इसके अंदर हो जाएगा। सो गाइज ये तो था इस टेबल का फुल रिव्यू। मुझे तो ओवरऑल भाई बहुत सही लगी, काफी सिंपलिस्टिक सा इसका डिजाइन है और काफी ठीक ठाक ये जगहों पे काम आ जाएगी, लाइक बेड पे, सोफा पे, और यूजुअली अगर आप लेट के भी काम कर रहे हो, लाइक कभी नीचे कारपेट पे लेटे हो या कहीं बाहर बैठ के काम कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आराम से काम आ सकती है। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है या फिर आप हाई एंड वर्क कर रहे हो, लाइक वीडियो एडिटिंग और ये सब काम कर रहे हो, लाइक हैवी वर्क में आपकी हीट ज्यादा जनरेट होती है, तो फैंस भी है इसके अंदर, तो फैंस भी अच्छे से रोटेट होते हैं और वेंटिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है, चेक करना है कैसे इसके फीचर्स है, और दूसरी टेबल के भी लिंक्स में डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर लेना। तो अगर बाय करने वाले हो तो बाय भी कर सकते हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल तो फिर करना ही पड़ेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।